शुक्रवार को संत आसाराम बापू का 82वां जन्मोत्सव उनके भक्तों और शिष्यों ने धूमधाम से मनाया। इंदौर के खंडवा रोड स्थित बापू के आश्रम पर भी उनके भक्तों ने अपने आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया। संत आसाराम बापू के जन्मोत्सव को लेकर आश्रम पर योग वेदांत सेवा समिति द्वारा विशेष आयोजन किए गए। यहाँ गुरुस्थान के सामने भव्य रंगोली बनाई गई थी। वहीं गुरुस्थान को विभिन्न रंगों के फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। यहाँ बापू के भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। मैं युवा सेवा संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर आज आश्रम में पधारा हूं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव को उनके जन्मोत्सव पर कोटि कोटि नमन। मैं समस्त भारतवासियों को ये बताना चाहता हूं कि लाखों दिलों पर राज करने वाले मेरे गुरुदेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। हमेशा सत्य की राह पर ही चले हैं मेरे गुरुदेव और हमेशा चलते रहेंगे। मैं आज उनके अवतरण दिवस पर समस्त भारतवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव सच्चे हैं, सच्चे थे और सच्चे ही रहेंगे। आज हमारे बापू जी का अवतरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए। ये देखो भजन भोजन सब प्रकार से, सत्संग वगैरह सब प्रकार से मनाया जा रहा है। पूरी मेरे इस जिंदगी में बापू की कृपा से ही सब परिवर्तन आया है। हर पल हर क्षण बच्चों का मेरा सब अनुभव है। बापू जी मेरे लिए भगवान है। बस बापूजी जल्दी बाहर आए, बापूजी के बिना हमारा जीवन सुना ही है। जब से गए हैं तब से हम बहुत दुखी हैं, इसलिए जल्दी आ जाए। आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में बापू के भक्त आश्रम पहुंचे। यहां संगीतमय गुरु भक्ति गीतों पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं भक्त अपने गुरु की भक्ति में तल्लीन होकर खूब झूमे। बापू जी के अगर हम लोग अनुभव के बारे में बोले तो अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, जिसके मतलब लिखने पे एक तो एक किताब भी छप जाए हम सब के अनुभव से। बाकी मैं अपना एक अनुभव बता देती हूँ कि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कॉलेज और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन आज बापू की कृपा से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ और आगे कोशिश करूँगी कि मैं और आगे बापू की कृपा से बहुत ऊँची जाऊँगी। और बस आज का दिन यही प्रार्थना है अपने बापू जी से कि वो जल्दी और शीघ्र अपने भक्तों के बीच में वापस आएँ। हम लोग बहुत सालों से बापू जी से जुड़े हुए हैं। आज बापू जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर सभी लोग सेवा कर रहे हैं, है ना। ऋषि प्रसाद की सेवा हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा करने से मैं आपको बता ही सकती कि हम लोग कितने अनुभव हुए हैं, कितनी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, कितने लोगों मतलब अपने अपने अनुभव बताते हैं। अनगिनत अनुभव हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते। मुझे एलर्जी की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि अगर मैं थोड़ा धूल में भी निकल जाती थी तो मुझे छींकें बंद नहीं होती थी और मुझे दवाई खानी पड़ती थी। जब से मैं सेवा में लगी हूँ मेरी तकलीफ़ बिल्कुल है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो। कोई कभी कह नहीं सकती कि मुझे कोई एलर्जी की प्रॉब्लम थी। यहाँ बच्चों ने गुरु भक्ति की शानदार प्रस्तुति दी। यहाँ विदेशी भक्त भी संत आसाराम बापू की भक्ति में डूबे नजर आए। साथ ही यहाँ आए भक्तों ने आतिशबाजी कर अपने गुरु के जन्मोत्सव की खुशी मनाई। भक्तों ने गुरुस्थान पर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।